वाकया जो है वो पेश आया है, जो कि 11J का वाकया है वो, और इनके बेटे को पुलिस वालों ने पहले रखा था अपने पास और उसके बाद उनको बुरी तरीके से तशद्दुद से मार दिया गया है। तो उनकी जो वाइफ है, ये वाइफ इनकी खड़ी हुई है, इनकी बहनें वगैरह हैं, सारी इनकी बहनें पंजाब से आ चुकी हैं, और इनके जो दो छोटे बच्चे दिखाए गए हैं, ये दोनों इनके बच्चे हैं। और जिनका इंतकाल हुआ, यानी जिन्हें मारा गया, उनकी एज भी ज्यादा नहीं थी, वो यंगस्टर लड़का था। और ये आप देख सकते हैं किस तरह से आपकी शौहर की उम्र किस तरह से बेरहमी से उसको कत्ल किया गया है। वजह क्या थी, थाने क्यों लेके गए थे? बस घर से उठा कर लेके चले गए दूध लेने के लिए, किया था मेरा शौहर। मरने के दो दिन बाद इन्होंने बताया है कि लाश को ले जाओ। ये बंदा कैसे लेके जा सकता है? वो ऊपर से बोले फांसी ली गई है, जेल के अंदर फांसी, बंदा कैसे? कभी तकिया बता रहे, कभी क्या बता। मैं उसकी बड़ी बहन हूं, मेरे भाई को मार दिया, उसकी छोटे छोटे बच्चे महंगे। 35 लाख रुपए दे बोल रहे हैं, 35 लाख रुपए ले लो और बात को यहीं पे दबा दो। सर एडवोकेट साहब हमारे साथ खड़े हैं, जरा इनसे बात करते हैं कि वो किस तरह से इस सारे मामले के बारे में हमें बताते हैं। जी एडवोकेट, मैं हमने आज यहाँ पे एक एप्लीकेशन जमा करवाने आए हैं कि इसमें थाने के अंदर एक बेगुनाह शहरी की हिलाकत हुई है थाने के एहलकारों के हाथों। केस के बारे में ये कहना चाहता हूँ कि मियां बीवी का झगड़ा था, सही है, तो जब ये सलीम वहाँ से निकला तो वहाँ इलाके में काफ़ी लोग सुनते भी थे। जो बात सच और ईमानी है वो बात कहूँगा, मैं किसी की बात नहीं रखूँगा क्योंकि ऐसा जिम्मेदार भी हूँ मैं वहाँ। तो उन्होंने ये बात कही कि मैं जा रहा हूँ थाने में बंद होने, आखिर में वो डिप्रेशन का शिकार था, सही है, बीवी के और आपसी झगड़े में। इल्जाम लगाया है, मैं यूके नेशनल हूँ, मैं यहाँ पे मर भी जाऊँ अपने भाई को इंसाफ दिलवाने के लिए, तो मेरी मौत के जिम्मेदार ये पुलिस वाले होंगे। आइए देखते हैं पुलिस वाले इस बारे में क्या कहते हैं। हम लोग मौजूद है 3 नंबर थाना न्यू कराची के अंदर, यहाँ पे लवाइकिन के आप लोगों ने तासुरा सुने कि वो क्या कह रहे थे। आइए SHO साहब ताहिर साहब से बात करते हैं कि इस मामले में वो क्या बताते हैं और इस मामले में कितनी सदाकत है कि आया वो लड़का इसी जेल के अंदर, इसी थाने के अंदर खुदकुशी करके मारा या फिर उसे मारा गया। पहली बात तो ये है कि तो तशद्दुद का तो कोई वो एलिमेंट है ही नहीं, इसलिए इसकी मजिस्ट्रेट साहब ने 176 की कार्रवाई की है, जिसमें मजिस्ट्रेट साहब DJ5 हमारे हैं, उन्होंने उसकी कार्रवाई की 176 की, और पुलिस सर्जन होता है जो कि कम अज़ कम ग्रेड 19 का होता है वो होता है, फिर इनकी फॉरेंसिक होती है, फॉरेंसिक वाले वो आते हैं, वो आके सारे केमिकल चेक करते हैं, कोई तशद्दुद कोई नहीं है। इनको ML जो सर्जन साहब थे उन्होंने आके बता भी दिया कि सिर्फ इसके वी बना हुआ है खाली। मतवफी के लवाहिकीन और इलाका मकीनों के बयान सुनने के बाद थाना न्यू कराची के SHO ताहिर हुसैन ने मतवफी की जोजा की एक वीडियो SN News चैनल को मुहैया की, जिसमें उन्होंने अपने शौहर के खिलाफ बयान दिया है। आइए सुनते हैं वो वीडियो। सर इसने कोई दरख्वास्त भी दी थाने में पहले बता रही है? नशा करता था? कौन सा नशा करता था? और हीरोइन पाउडर वाउडर? अच्छा, तो ये बोला मैं कहीं भी जगह मिलती हूँ सो जाता हूँ। ये कहाँ सोता था? फुटपाथ पे? फुटपाथ पे सोता था? ये नफसियाती था, पागल हो गया था, क्या था? पानी पी लो बेटा। तुमने खुला की दरख्वास्त दी थी, उस पर तुम्हारा वकील कौन था बेटा? पंजाब में की थी आपने दरख्वास्त? अच्छा, इसने ये माता कैसे था, मतलब हाथों से या डंडे वंडे से, किसी से जो चीज हाथ में आ जाए? शक करता था आपको? साल 10 साल हम साथ रहे। वहाँ से आ गए, इसके बाद से आ गए।
मतलब झगड़ा होता किस बात पे था दादा? अच्छा तुम तो शक करता था, मतलब शक करके तो तुम 4 महीने थे उसके साथ ही रह रही थी? अलग, वो अलग रह रहा था। तुमने कोर्ट में केस किया हुआ था? किधर, लाहौर में किया है, कराची में? कहाँ किया है केस? ये किधर? पंजाब में। पंजाब में हो गया ना बेटा? अच्छा, तो तुम्हें खर्चा वर्चा देता हूँ भाई? कुछ कुछ भी नहीं, मतलब गुस्से का तेज था क्या? कभी तुम्हें ऐसा मारा कि तुम्हारे निशान, ये तुम्हारे निशान पड़ा हुआ है, ये उसी की चोट का है या वैसे? दिखाओ जरा, हाथ दिखाओ। और कहाँ मारा है उसने तुम्हें? दिखाओ, नजर नहीं आ रहा बेटा। ओए ये तो कटा हुआ है पूरा, दिखाओ। किससे काटा भाई? ये किसी तरह छुरी मारी है, क्या करा है इसने? छुरी शीशा मुझे मारना लगा, मैंने आगे से बाल काट दिया। अच्छा अच्छा इसका बाकी कोई रवैया कैसा? दोस्तों से भी झगड़ा वगैरह करता था? नहीं, अपनी बहनों से तो बहुत प्यार से बात करता था, भाइयों से भी ऐसे। लेकिन 2 महीने पहले अपने भाई से भी झगड़ा करता था। बल्कि वो एक लड़का जो था वो नफसियाती तौर पे मरीज था, और नफसियात के तौर पे वो अपनी बीवी से झगड़ के आया था, और उसके बच्चों वगैरह से लड़ाई हुई थी, उसने खुद अपनी गिरफ्तारी दी थी। गिरफ्तारी के बाद